आज यानी शनिवार को जब फिलिस्तीनी चरमपंथी ग्रुप हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर हमला कर दिया तो दुनिया भर में इसकी चर्चा तेजी से होने लगी। यह हवाई हमला था जिसमें दावा किया गया कि कुल 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे गए, वो भी 20 मिनट के अंदर। इजराइल में उस समय सुबह के करीब 5 बज रहे थे और तभी सायरनों की आवाज ने लोगों की कान खड़े कर दिए। कुछ देर बाद स्पष्ट हो गया कि इजराइल पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया है, जिसमें हवाई हमले के साथ साथ जमीनी घुसपैठ भी की गई। इन हमलों पर इजराइल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद इसे युद्ध घोषित कर दिया गया। कुछ वीडियोस ऐसे भी देखने को मिले जिनमें गाजा पट्टी के करीबी इजरायली गांवों में हमास के घुसपैठियों को और गोलीबारी करते हुए देखा गया। खबरों की माने तो इस हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास क्या है और इसने इजराइल पर हमला क्यों किया। हम आपको बेहद सरल तरीके से इस पूरे विवाद को समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आज जो विवाद देखने को मिल रहा है वह कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इजराइल का अरब देशों के साथ संघर्ष देखने को मिलता रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत होती है आज से करीब 75 साल पहले, यानी सन 1948 में, जब इजराइल नाम के देश का उदय हुआ था। आपने ये जरूर सुना होगा कि यहूदियों के लिए आज से 75 साल पहले कोई देश नहीं था। ये दुनिया भर के अलग अलग देशों में बिखरे हुए थे, जिनमें अधिकतर यूरोप के देशों में भी रहा करते थे। आगे चलकर यूरोप में हिटलर की फौज के द्वारा यहूदियों का नरसंहार भी किया गया था। यहूदी यरूशलम को अपना घर मानते हैं। इनका दावा है कि ये जमीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। 1940 के दशक तक यहूदी और फिलिस्तीनी साथ में रहा करते थे। ये वो दौर था जब फिलिस्तीन में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। हालांकि इसी दौरान अंग्रेज कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे और उन्होंने यहाँ भी यही किया। यहूदी और फिलिस्तीनियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाले बिना यहाँ से चले गए, जिसके बाद 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इसराइल नाम के एक देश की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया तो घोषणा के अगले ही दिन यानी 15 मई को जंग शुरू हो गई, जो कि 8 महीने तक चलती रही। जरा सोचिए, जो देश आज वजूद में आया वो कल जंग लड़ रहा है। इस जंग में दो खेमे थे, एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ इसराइल और दूसरी तरफ अरब देशों के समर्थन से खड़ा फिलिस्तीन। अगर आज का समीकरण देखा जाए तो स्थिति आज भी वैसी ही है। इजराइल आज भी अरब देशों का दुश्मन बना हुआ है, जबकि अमेरिका जैसे देशों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। इस जंग के बाद 1949 में सीज फायर का ऐलान होता है और इस वक्त तक फिलिस्तीन का अधिकतर भाग इजराइल के पास आ चुका होता है। उस समय जो जमीन जॉर्डन ने कब्जाई वह आज वेस्ट बैंक के नाम से जानी जाती है। जिस इलाके पर मिस्र ने कब्जा किया उसे गाजा कहते हैं। इस जंग के बाद फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलम भी दो हिस्सों में बट गई, एक जॉर्डन के पास और दूसरा इजरायली फोर्सेस के कब्जे में। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आप इसे बस ऐसे समझिए कि 1949 के बाद भी इन देशों के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ। जहां एक ओर इस्लामिक देशों से घिरे इजराइल ने अपने प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनाने पर काम किया, वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोसी देशों में अनेक छोटे छोटे कट्टरपंथी संगठन पनप गए। इजराइल पर अलग अलग बार इन देशों ने हमला भी किया, तो वहीं इजराइल ने भी बदले की कार्रवाई में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आता है वर्ष 1987, जिसमें फिलिस्तीन पहले इतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है। ये जंग में तब्दील होता है और इसमें हजारों लोगों की जानें जाती हैं। और इसी बीच इजराइल में पूरे यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दी जाती है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी मिला। इस जंग के बीच एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन का नाम काफी तेजी से सामने आता है, हमास। जी हाँ, वही हमास जिसने इस बार भी इजराइल पर हमला किया है। हमास की स्थापना 1980 में हो गई थी। हमला करने वाला व्यक्ति भी ऐसा जो 12 साल की उम्र से व्हीलचेयर पर था। संगठन की नींव शेख यासीन ने डाली थी और इसने अपना पहला दबदबा 1987 में दिखाया था, जब इसने इजराइल के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद की थी। बता दें कि अरबी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट।
आगे चलकर 1990 में इस संगठन ने खुद को सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित करने का काम किया। गाजा में हुए 1996 के चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और वहां की सत्ता हासिल की। वर्तमान में हमास यहां पर सरकार चलाता है और लोगों की मदद करता है। इसका एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम इज्जेदीन अल कासम ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड ही इसराइल के ऊपर हमला करने का काम करती है। वर्तमान में हमास के इजराइल पर हमला करने का कारण है अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है। ये एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा कंपाउंड को आज़ाद कराना है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलम शहर में है। हाल ही के दिनों में यहाँ यहूदी लोग अपने पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए पहुँचे थे। इस कंपाउंड में ही टेम्पल माउंट भी है जो कि यहूदियों का प्रार्थना स्थल माना जाता है और उनके लिए अत्यधिक पवित्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरी कोशिश की कि आपको बेहद आसान तरीके से इस विवाद के बारे में समझाया जा सके, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे लेकिन एक कन्फ्यूज़न बना होगा कि ये विवाद शुरू कब से हुआ, कारण क्या है और ये हमास क्या है। हमने जो कोशिश की आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमास और इसराइल के बीच जो विवाद चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि इसराइल को यरूशलम हमास के हवाले कर देना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ और करना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। आप ज़्यादा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.thejbt.com पर जा सकते हैं। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।